मम्मी कल वाले मेहमान चले गए हैं जी, आ जा रहे हैं दूसरे मेहमान और अभी मैं इसकी तैयारी करने लगी हूँ। मेहमान पे मेहमान, रहमत पे रहमत हो रही है आज। सबसे पहले ये सारा कुछ वॉश करूँगी, फिर इसको रखूँगी पकने के लिए और देन फिर कुत्ते और सफाई वगैरह। आज मैंने पहले कर दी, कल सफाई बाद में की थी, आज मैंने कहा चलो सफाई से ज़रा फारिग होकर तो ये काम बाद में शुरू करूँगी। फिर ये आ गई बास्केट, इसमें रखेंगे चिकन। ये मैंने रात बनाया था और फिर मैं भूल गई, सो गई। अब पता नहीं पीना चाहिए या नहीं, पर मैं पीने लगी हूँ। ये वाला कुकर आपको याद होगा, दो चार दिन पहले ऊपर वाली आंटी ने लिया था, उन्होंने पाइप काने थे तो उसके बाद वो कुकर साथ ही ले गई थी। तब जब मैंने उन्हें दिया था तब तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब ये ऊपर से वापस आया ना, दो दिन के बाद ये अंदर से इतना काला था, मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने कैसे साफ बर्तन दिया था और मुझे इतना काला करके दे दिया आंटी ने। और इसको मैंने तीन चार बार वॉश कर लिया, लेकिन अभी भी ये उतना साफ़ नहीं हो रहा जितना ये पहले था। ये बिल्कुल ही काला कर दिया था उन्होंने अंदर से। तो किसी की अगर चीज़ लेते हैं, फिर जैसी चीज़ दी जाए इंसान को वैसे ही वापस करनी चाहिए। और मुझसे ज़्यादा पीछे मेरे पैरेट्स का शोर आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। किचन का एक बहुत बड़ा मसला है कि आप अगर एक काम करने बैठें फिर आपको 70,000 काम साथ में वैसे ही फ्री में मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं खाना शाना बना रही थी, खाना तो अभी बना नहीं, मेरा कुकर मैंने लगा दिया और बाकी मैंने एकदम से दराज खोला मसाला निकालने के लिए, तो फिर मुझे लगा कि दराज अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे चल रही है बिरयानी की तैयारी और ये मैंने यहाँ पर यखनी बना ली हुई है। माशाल्लाह से मेहमान हमारे आगे हैं और मेहमानों के आने से पहले पहले खाना शाना मेरा रेडी हो गया है। साथ में मैंने सारे बर्तन और ये वो सारा कुछ समेट दिया था और उसके बाद मैंने जन्नत को भी तैयार कर दिया, क्योंकि मेरा मुझे ये बहुत टेंशन होती है कि वो साफ़ कपड़ों में होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं अभी पुलाव निकालने लगी हूँ, पुलाव बिरयानी जो भी था वो मिक्स था। और मैंने उन्हें खाना दिया क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने उन्हें कॉल कर दी थी कि बाहर से खाना ना खाना। उन्होंने बस खाना खाया, थोड़ी देर बैठे और फौरन ही उन्होंने कहा कि अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पर राव साहब उनकी रवानगी की रस्म अदा कर रहे हैं उनके ऊपर पानी फेंक कर। चुपकी 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 गंदी बच्ची पापा मामू बड़ा गंदा है, दुल्ला भी गंदा, भाई सलाउद्दीन भी गंदा, हैदर भी गंदा, सारे गंदे गंदे सारे बू वाले, फजर भी गंदी बू वाली, हाय हाय हाय, आदरा भी गंदी बू वाली, गंदी बू वाली, मम्मी भी गंदी, मम्मी गंदी, जाना भी गंदी, हैं सारे गंदे हैं, आप अच्छी बस, जरा
वो जहरा बड़ी अच्छी है, जहरा अच्छी है ना।